नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार सुबह 3:30 बजे मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने नियंत्रण रेखा के पार कश्मीर में घुसकर आतंकी गुटों पर कार्रवाई की। 12 मिराज विमानों ने कुल 1000 किलो बम बरसाए और कई आतंकी कैंपों को बर्बाद कर दिया। मिराज फाइटर का अटैक, पाक में गिराए गए 1000 किलो बम, पाक में गिराए गए 1000 किलो बम, पुलवामा का बदला, भारतीय वायुसेना का बड़ा एक्शन, एलओसी पर जैश के ठिकानों पर 1000 किलो बम बरसाए गए, जैश लश्कर हिजबुल के कई कैंप हुए तबाह, पीओके में 21 मिनट तक हुई बमबारी। भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को पुलवामा आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। भारत ने पीओके में चल रहे आतंकी कैंपों को निशाना बनाते हुए भारतीय वायुसेना के विमानों ने बमबारी की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस ऑपरेशन को भारतीय वायुसेना के 12 मिराज 2000 विमानों ने अंजाम दिया। वायुसेना के मिराज 2000 ने पीओके में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर 1000 किलो से ज्यादा के बम गिराए। भारतीय वायुसेना ने यह सर्जिकल स्ट्राइक आज सुबह 3:30 बजे की। भारतीय वायुसेना ने जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। बता दें कि पीएम मोदी ने पुलवामा हमले के 24 घंटे के अंदर बड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया था। भारतीय वायुसेना का बड़ा एक्शन, मंगलवार सुबह 3:30 बजे की गई कार्रवाई, पुलवामा अटैक के 12 दिन बाद भारत ने हमला बोला, भारतीय वायुसेना ने बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में जैश के ठिकानों को किया तबाह। भारत की कार्रवाई की पाक ने पुष्टि की, कहा पीओके में घुसे थे भारतीय विमान। पाक आर्मी ने कहा भारत ने की है घुसपैठ। पाकिस्तानी सेना ने माना है कि भारतीय वायुसेना पीओके में दाखिल हुई है और पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने दावा किया है कि भारतीय वायुसेना के विमानों ने लाइन ऑफ कंट्रोल का उल्लंघन किया है। पाक सेना के प्रवक्ता ने ट्वीट भी किया, भारतीय वायुसेना ने एलओसी का उल्लंघन किया, हमने तुरंत जवाब दिया, जिसके बाद भारतीय वायुसेना के विमान वापस अपनी सीमा में लौट गए। आतंकी ठिकानों पर गिराए गए 1000 किलोग्राम के बम। भारतीय वायुसेना ने आज सुबह 3:30 बजे 12 मिराज 2000 भारतीय लड़ाकू जेट विमानों ने एलओसी के पार जाकर आतंकवादी शिविरों पर हमले किए और इन्हें पूरी तरह से नष्ट किया है। आतंकी ठिकानों पर 1000 किलोग्राम बम गिराए गए। 12 मिराज 2000 जेट विमानों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पुलवामा हमले के दर्द से जूझ रहे भारतीय सैनिक और 135 करोड़ भारतीयों को मंगलवार की सुबह सूरज के साथ साथ उम्मीद के साथ साथ एक नई किरण दिखाई दी, जिसमें उन्हें नजर आया कि आखिरकार 44 जवानों की शहादत का बदला लेते हुए भारतीय सैनिकों ने एक सम्मानजनक कार्रवाई की है और कई आतंकी ठिकानों का सफाया कर दिया। बहरहाल देखना होगा ये कि पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया रहेगी इस पर और प्रधानमंत्री पाकिस्तान इमरान खान किस तरह की बयानबाजी करने के लिए अब मीडिया के मैदान में उतरने वाले हैं। अधिक खबरों के लिए देखते रहिए सीएमएन न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।